नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सिंपल रेसिपी। दोस्तों, सिंपल रेसिपी के किचन में आज हम बना रहे हैं पत्ता गोभी से एक खट्टी मीठी सब्जी। ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही सिंपल है, तो आई होप आपको ये पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको वेजिटेबल ऑयल में बना रही हूँ, तो मैंने ऑयल गरम पर बिठा दिया था। हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा जीरा, इसको थोड़ा क्रैकल होने दें अच्छे से। जीरा क्रैकल हो गया है, हम डालेंगे अभी चॉप्ड गार्लिक, बारीक चॉप किया हुआ। अब इसमें डालेंगे ग्रीन चिली, थोड़ी देर सौते करेंगे इसको। जैसे थोड़े से फ्लेवर आना शुरू हो जाए गार्लिक का ऑयल में, हम डालेंगे इसमें, मैंने यहाँ पर पीनट को बॉईल करके रखा हुआ है, 3-4 सीटी थोड़ा सा सॉल्ट डाल के बॉईल कर दिया था। ये थोड़ा हार्ड है तो 3-4 सीटी चाहिए इसको बॉईल होने के लिए। तो थोड़ा सा पीनट, बॉईल पीनट एंड थोड़ा सा ग्रीन पीस, थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे। अब हम डालेंगे इसमें करी लीव्स, थोड़ा सा सौते करेंगे। अभी इसमें हम डाल देंगे फाइनली चॉप किया हुआ कैबेज, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए 3/4 ऑलरेडी कुक हो चुके हैं, बस 1/4 ही बचा है। अभी इसी टाइम में हम इसमें डालने के लिए एक मसाला रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट ले रखी हूँ, अगर आप डेसिकेटेड कोकोनट नहीं है तो फिर आप फ्रेश कोकोनट भी ले सकते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, ये हिमालयन पिंक सॉल्ट है, ब्लैक सॉल्ट नहीं है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा, हमने ग्रीन चिली डाल रखा है, फिर भी थोड़ा सा टेस्ट के लिए रेड चिली डालते हैं, थोड़ा सा टर्मेरिक पाउडर और यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ मैं। ब्लैक पेपर को क्रश करा है फ्रेशली। अभी थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट थोड़ा कम डालें। अब इनको मिक्स करेंगे। अब इसको हम इसके ऊपर डाल देंगे। मसाला डालने के बाद सिर्फ 1 मिनट से ज़्यादा इसको कुक ना करें, इसमें कुक करने लायक कोई मसाले है ही नहीं, तो हम बस 1 मिनट तक इसको बस सौटे करेंगे। फिर उसके बाद हम गैस ऑफ कर देंगे। गैस ऑफ करके थोड़ी देर रुक जाएंगे हम, बस 10-20 सेकेंड रुक जाएंगे। फिर हम इसमें डालेंगे शुगर 1 छोटी चम्मच और 1 छोटी चम्मच लेमन जूस। मिक्स करेंगे तो ये रेडी है हमारा खट्टी मीठी जायकेदार पत्ता गोभी की सब्जी। तो आप श्योर इसे ट्राई करें। थैंक यू।